कहानी नंबर 127, उत्तम आकिंचन्य। एक बार एक सज्जन व्यक्ति बाहर विदेश गए हुए थे। वहां का शासक बड़ा ही अत्याचारी था। वह जनता को कष्ट दे देकर उनकी संपत्ति को लूटकर अपने खजाने में जमा किया करता था। उसे जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान से कोई साधु पुरुष आया है, तो वह उनसे मिलने उनके पास गया। कुशल समाचार पूछने के उपरांत सज्जन व्यक्ति ने उनसे कहा कि क्या आप मेरे 100 पत्थर को गिरवी रख लेंगे? इस पर शासक बोला, पत्थर को गिरवी रखने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु आप उन्हें ले कब जाएंगे यह अवश्य बताइए। साधु पुरुष ने इसके उत्तर में कहा कि आपके पहले ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे मरने के बाद इस संसार में आपकी जीवन यात्रा समाप्त होने पर जब भी आप मुझसे मिलेंगे, तब आप इन पत्थरों को मुझे दे दीजिएगा। इस पर वह शासक बोला, कैसी बात करते हैं आप? भला इन पत्थरों को लेकर मैं वहां कैसे आ सकता हूं? इस पर साधु पुरुष ने कहा, तो फिर जनता को चूस चूस कर आप जो अपने खजाने में नित्य वृद्धि किए जा रहे हो, तो क्या वह सारा खजाना यही छोड़ देंगे? उसे अपने साथ ही ले जाएंगे ना? तो बस साथ में मेरे इन पत्थरों को भी लेते आइएगा। उस दुराचारी की आंखें खुल गई। उसने साधु पुरुष के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगी और प्रजा को कष्ट ना देने का वचन किया। अब अपनी बात पर आते हैं। जरा विचार कीजिए, अन्याय अनीति से कमाया गया अनाप शनाप पैसा क्या हमारे साथ जा सकेगा? क्या उसे अगले भव में ले जाने की कोई प्रक्रिया है? नहीं ना। तो इसका मतलब हुआ, मैं और पैसा ये दो अलग अलग वस्तु हैं। अगर मैं पैसा होता या पैसा ही मैं होता, तो वह हमारे साथ अगले भव में जरूर जाता। इसलिए मेरे ज्ञान स्वरूप को छोड़कर अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं हैं। ऐसी सच्ची समझ और आचरण ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आपका ये छोटा सा प्रोत्साहन ही हमें आपके लिए और कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपने ये कहानी अंत तक देखी, इसलिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार।